तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि जो यूके पीएससी जेई में जिनके 650 से ऊपर मार्क्स हैं वो अपने आप को सेफ समझिए। हालांकि डीवी के लिए जो कॉल है वो 625, 620, 630 तक के बच्चों के लिए भी आ सकती है, लेकिन उनका जो सिलेक्शन है वो फाइनल होना वो बड़ा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन जो 650 से ऊपर है वो अपने आप को सेफ समझे, ठीक है। तो 650 वाले जो हैं उनके लिए मैं ये बता दूं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट अच्छे रहेंगे आपके लिए। डिपार्टमेंट प्रेफरेंस जो है यूके पीएससी जेई की वो किस प्रकार होनी चाहिए, डिपार्टमेंट प्रेफरेंस कैसे होनी चाहिए आपकी। तो जब भी आप डिपार्टमेंट प्रेफरेंस जब आपको मेरे ख्याल जब डीवी होएगा शायद उसी के टाइम पे आपको शायद बोला जाए कि डिपार्टमेंट प्रेफरेंस भरिए। तो डिपार्टमेंट प्रेफरेंस जो होती है ना वो कभी भी ये देख के नहीं होती कि या आप ऐसे करें कि सारे उसमें जा रहे हैं तो मैं भी उसी में जाऊं। डिपार्टमेंट प्रेफरेंस होती है कि आपको क्या अच्छा लगता है, ठीक है। मार्क्स बिल्कुल ही कम है तब तो मजबूरी है कि भैया जो लास्ट प्रेफरेंस होगी वही आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक बन रहे हैं, 650 से ऊपर हैं, तो उसके बाद अपनी अपनी सीटों के हिसाब से लोग डिपार्टमेंट्स को भरेंगे और एक हो सकता है कि आप जो चाहते हैं आपको मिल जाए। कई डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल की बात करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर मैं बात करूं कि सबसे बढ़िया डिपार्टमेंट की जो सबसे बढ़िया डिपार्टमेंट हो सकता है वो कौन सा हो सकता है, सबसे पहले बढ़िया बढ़िया से पहले आप चार पैरामीटर्स हमेशा किसी भी डिपार्टमेंट प्रेफरेंस को भरने से पहले चार पैरामीटर्स को बड़ी ध्यान में रखिए। सबसे पहला पैरामीटर जो डिपार्टमेंट प्रेफरेंस को भरते समय होता है कि उसमें सीट्स कितनी हैं। दूसरा पैरामीटर उसके अंदर वर्कलोड किस हिसाब का है। तीसरा पैरामीटर उसमें ट्रांसफ़र्स क्या फ्रीक्वेंट है या नहीं है, कई बच्चों को ट्रांसफ़र पसंद नहीं होती। चौथा उसमें जॉब लोकेशन रिमोट है या नहीं है, ठीक है। पांचवा प्रमोशन, ये पांच पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सैलरी सब में बराबर है। आप किसी में भी जाएंगे सैलरी तो आपको सभी मिलेगी क्योंकि पता है जो बेसिक है 44,900 वो सबके लिए कॉमन है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, अगर आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे बन रहे हैं देन जो सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट आपके लिए हो सकता है वो हो सकता है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट। अब सेफ्टी डिपार्टमेंट जो इलेक्ट्रिकल का ये इतना कोर डिपार्टमेंट है कि इसके अंदर आपको 3 यूटिलिटीज़ के साथ काम करने का मौका मिल सकता है, जैसे UJVNL हो गया, पिटकुल हो गया, UPCL हो गया। इन तीनों के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल का कोई सा भी काम होता है वो जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है उसके ही जूनियर इंजीनियर के थ्रू या जो ऊपर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर होते हैं उनके थ्रू ही NOC देने का काम होता है, ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिकल में उनको लाइसेंस देने का जो काम होता है वो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट के ही जूनियर इंजीनियर का होता है। And it is the most powerful job in electrical engineering. Electrical engineering में इससे powerful job कोई नहीं होती, even distribution JEE से भी ज़्यादा power होती है इसकी, ठीक है। Electrical safety department is a good department, ठीक है। लेकिन ये बहुत high level के जिसके marks होंगे topper वही लेके जाएगा इसको electrical में। उसके बाद जो department सबसे best है मैं मानता हूँ वो जो department है वो है public works department, क्योंकि PWD एक पुराना डिपार्टमेंट है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंस्पेक्टर तो बिल्कुल ही जिसके टॉप के नंबर होंगे 9 लड़के वही ले जाएंगे, ठीक है। और PWD की अगर हम बात करें तो इट्स अ वेरी गुड डिपार्टमेंट एंड इट इज़ अ ओल्ड डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। और अगर यहाँ पे आप काम करते हैं एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो आपकी रेपुटेशन भी बनेगी बिकॉज इसको लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं। कई डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जानते नहीं लोग, इन PWD का काफ़ी दबदबा है। इट्स एन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर एंड इट इज़ अ वेरी ओल्ड डिपार्टमेंट्स, ठीक है। सो PWD के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का काम होता है जनरली वो होता है वायरिंग से रिलेटेड, जैसे गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स होती हैं उनकी वायरिंग, कोई रोड बनती है उस पर स्ट्रीट्स जो होती हैं उस पर स्ट्रीट लाइट्स को लगाना, फिर उससे आगे कोई चीज़ अगर आपकी कोई स्कूल है गवर्नमेंट उसकी बिल्डिंग की रिनोवेशन, उसकी वायरिंग एक्सेट्रा, उसमें जितनी लाइटनिंग की फिटिंग्स हैं वो वगैरह देखना जो होता है वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम होता है। अच्छा, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है इसको ट्रैफिक लाइट सिस्टम्स भी देखना पड़ सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ अ गुड जॉब एंड इट्स अ वेरी गुड जॉब,
ठीक है, एंड इट्स अ पावरफुल जॉब एज वेल, बिकॉज जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का जो जेई होता है उसके नीचे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट के वर्कर्स काम करते हैं, एंड ही हैज़ द पावर टू ड्रॉ द एस्टिमेट्स, ठीक है, और काफ़ी सारे काम होते हैं, ठीक है, एस्टिमेट की पावर होती है उस पर, ठीक है, एस्टिमेट्स बनाने की, ठीक है, बिलिंग की, एंड इट्स अ वेरी गुड पोस्ट, इट्स अ वेरी वेरी गुड पोस्ट. सो आई थिंक आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी डिपार्टमेंट योर नेक्स्ट प्रेफरेंस शुड बी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, एंड आफ्टर दैट RWD एंड PWD आर वेरी वेरी सिमिलर इन वर्किंग नेचर, ठीक है, बट द मेजर डिफरेंस बिटवीन द PWD एंड RWD इज दैट PWD इज कंसिडर्ड ओवर द होल उत्तराखंड सिटी एज वेल एज विलेज रेंज ऑफ द उत्तराखंड, बट वेन वी टॉक अबाउट द PWD इट इज़ ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द रूरल एरिया. बट इफ RWD इज रिस्ट्रिक्टेड टू द रूरल एरिया, मतलब अगर रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट रिस्ट्रिक्टेड है रूरल एरिया की तरफ, देन द वर्कलोड इन RWD इज लेस एज कम्पेयर टू PWD. हाउएवर द जॉब प्रोफाइल इज अप्रॉक्सीमेटली सेम, देर इज नॉट अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द जॉब प्रोफाइल ऑफ द PWD एज वेल एज द RWD एंड द सैलरी एज वेल, बट वेन वी टॉक अबाउट the workload in RWD is lesser as compared to the PWD, and that's the major reason where I think both are very good department. I think it's then it's depend upon your personal interest for which you will have to apply, because I think RWD is a very fantastic and good for those who want to pursue their career with lesser workload, and yes, it's good. RWD is also good, but it's depend totally on you whether you have to go for PWD or RWD. So it's a very very good department. Okay, both are very good. So second pe aap RWD ko bhi rakh sakte hain and PWD ko bhi. So it's totally on your, and they are absolutely good to work in this department as an electrical engineer as well. Next preference aap. Then after these, what should be your next preference? So your next preference can be either irrigation or either UJVNL. Why UJVNL? I mean, is not a second preference of any electrical engineer, because in UJVNL there is a shift system. What is the meaning of this shift system? UJVNL, known as Uttarakhand Jal Vidyut Nigam Limited, it's a core electrical job, but it has two wings. One is the maintenance wing and second is the operations wing. If you are working in an operation wing, then there will be a rotating shift system in UJVNL. Like, for example, if one junior engineer has to attend the shift, morning shift from 6 a.m., to the 2 a.m. So next will attempt, after example liya maine, koi sa bhi time ho sakta, after 2 p.m. and the next junior engineer will attempt from 10 p.m. to the 6 a.m. So it is a rotating shift type of job. Kuch din morning, kuch din evening and kuch din night. Theek hai? So in UJVNL you also have to do the night shift, but this kind of problem is not in case of PWD and RWD, because PWD and RWD has general shift timings for junior engineer post. But when we talk about UJVNL, then if you are comfortable in working in shifts, then I think UJVNL can be a better choice for you. But ye aap pe depend karta hai, theek hai, main to shift mein bhi kar lunga, theek hai. So it's totally depend upon you, okay? So UJVNL is also a good department, but there is a shift system, rotating type of shift system in UJVNL, because UJVNL is known as hydropower. If we translate its name into English, Uttarakhand Jal Vidyut Nigam means Uttarakhand Hydroelectric Power Corporation Limited, means hydropower mein jo bhi dams hote hain, they run 24 multiply by 7, their run is of 24 multiply by 7, मतलब 7 दिन 24 घंटे चलते हैं वो, and there is a rotating shift type of system in Uttarakhand Jal Vidyut Nigam Limited. And second is, there is always gonna be the remote location in this particular department, ठीक है? So if you like to work in remote locations, ठीक है? And you can manage to work in shifts, so UJVNL can be good for you, but अब
इट्स डिपेंड अपॉन योर माइंड सेट, ठीक है, कि इज UJVNL गुड फॉर यू और नॉट. बट इफ यू आर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लवर, देन UJVNL कैन बी गुड फॉर यू. ठीक है, इट्स अ वेरी गुड डिपार्टमेंट इफ यू आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लवर. बट इफ यू हेट द स्विफ्ट सिस्टम, देन इट विल काइंड ऑफ आई थिंक इट विल नॉट गुड फॉर यू. सो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू वेदर यू हैव टू बी यू विल लाइक द शिफ्ट सिस्टम और नॉट इन UJVNL. ठीक है, तो there is a shift system in UJVNL, rotating shift system. I have explained you earlier. So yeah, aapke upar hai, theek hai. And now let us talk about irrigation department. Irrigation department is a very old department and it is one of the lowest workload department in Uttarakhand, because in this particular department in irrigation, the posting is usually restricted to only plain area, okay? There is no such a tough or remote location in irrigation department like all other departments. They may give you the posting location in a very very tough hilly terrains, but when we talk about the irrigation department, then there is no such a kind of any tough or you can say a remote terrain location, a hilly huge remote terrain location in irrigation department. So irrigation department is good for those who want to work all over their life in a plain area, means the plain region of Uttarakhand, like Dehradun, like Haridwar, like Udham Singh Nagar, like Haldwani, Kathgodam, etc. These particular kind of places like Luxor Junction, any Roorkee, okay, these type of places, Rishikesh, where the region which is restricted to the plain area. ठीक है, सो इरीगेशन इज़ गुड फॉर दोस्ट हु वॉन्ट्स टू वर्क इन द प्लेन एरिया. ठीक है भाई, प्लेन्स में रहना है, देन इरीगेशन इज़ वेरी गुड. एंड मोर ओवर आई थिंक दिस इज़ फॉर यू, ओके? सो प्लेन इरीगेशन इज़ वेल फॉर लोड. नाउ नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. सो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यू विल फील कट आउट ऑफ योर ब्रांच, बिकॉज इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देर इज नो एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वर्क, बट इट्स अ लोएस्ट वर्कलोड डिपार्टमेंट. ठीक है, सो if anybody wants to do the job with very very less workload, then agriculture department is good for that. But you will feel cut out of electrical engineering. You will feel that there is no electrical engineering in these particular departments. But yes, if somebody has got a very very lesser marks, then it can be good for him because he has scored lesser. So अब उसकी मजबूरी है, बट दिस इज़ द मिनिमम वर्कलोड एंड कंफर्टेबल डिपार्टमेंट, दैट इज़ नोन एज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. ठीक है, सो सारों के लिए मैंने बता दिया है. सो एक बारी ब्रीफ समरी ले लेते हैं. ओके, सो फर्स्ट चॉइस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट शुड बी इफ़ यू आर अ टॉपर एंड यू हैव गेन्ड अ ह्यूज मार्क्स अबव 700 मार्क्स. ओके, 710, 711, वट एवर बी, आई एम टेकिंग जस्ट एन एवरेज. ठीक है, इफ़ यू हैव स्कोर्ड मोर देन 700 मार्क्स, देन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट शुड बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस और योर फर्स्ट चॉइस, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट पावरफुल जॉब अमंग ऑल द जेई जॉब्स विच आर डिस्क्राइब्ड इन द विच आर गिवन इन द नोटिफिकेशन ऑफ UKPSC JEE. बट आफ्टर दैट, आफ्टर दीज, PWD department can be your second preference because it is a very old department. It has an organized structure, and the reputation of working in a PWD department is just extremely, extremely tremendous, extremely wonderful. You will feel pretty wonderful while preparing, while doing the job in PWD. And after PWD, you can also take RWD, and after RWD you have the option to take UJVNL is a good department after RWD. ठीक है, but if you are an electrical lover, then it can be second choice for you. But if you are electrical lover with remote locations, if you love electrical engineering with remote locations, then UJVNL is very good for you, because in UJVNL your job will always be in remote location, okay? Tough hilly terrains, okay? So UJVNL can be your second choice, or you can be your third or fourth choice. Okay, so I think majority of students will take as UJVNL as the third or fourth choice due to its remote locations, okay? Now
After UJVNL, you can opt for irrigation, you can opt for pay gel as well. I have skipped pay gel earlier when I was explaining my whole video. So now I am talking about pay gel. Pay gel is also a very good department, but work pressure is pay gel is huge because water is an essential necessity, which is the most important requirement of the people. So pay gel is generally... generally good because majority of the work in pay gel is restricted to the plain area, because 25% work of pay gel department is in hills, and I think 75% work is in plain area. Okay, and pay gel is good department and it has very good powers as well. ठीक है, पेजल इज गुड फॉर सिविल इंजीनियर्स, पेजल इज ऑल्सो गुड फॉर इलेक्ट्रिकल स्लैश मैकेनिकल. बाकी यार बेरोजगारी बहुत है, सो कोई भी मिल जाए वो तो बढ़िया ही है, बट दिस इज ठीक है. एंड एग्रीकल्चर इज द लास्ट ऑप्शन. ठीक है, और सो भैया जिसको बिल्कुल ही प्लेन एरिया चाहिए, इफ़ एनी वन वॉन्ट्स द प्लेन एरिया, ठीक है, और वॉन्ट टू वर्क इन प्लेन एरिया ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, नॉट इन हिल्स, सो इरीगेशन डिपार्टमेंट्स इज़ अ गुड चॉइस फॉर दोज. ठीक है, बाकी सब में हिल और प्लेन दोनों में ही लगेगा. ठीक है, और बाकी सबको मैंने तो वर्कलोड के हिसाब से तो बता ही दिया. और अगर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लवर हैं उनके लिए सबसे अच्छा तो सेफ्टी है. ठीक है, और UJVNL उनके लिए अच्छा है जो इलेक्ट्रिकल लवर भी है लेकिन रिमोट में रह सकते हैं. तो मुझे लग रहा है बच्चे रिमोट लोकेशन से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं, तो शायद वो UJVNL की जगह PWD और RWD को अपनी सेकेंड प्रायोरिटी रखें या थर्ड प्रायोरिटी रखें, कोई भी रखें. ठीक है, तो प्रायोरिटी यही होने वाली है, पहले बता रहा हूँ, सेफ्टी फर्स्ट, सेकंड PWD, थर्ड RWD, फोर्थ UJVNL, फिफ्थ पेजल, फिफ्थ इरिगेशन, सिक्स्थ पेजल एंड सेवन्थ एग्रीकल्चर. ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड एंड गेट रेडी इफ़ यू हैव अ मार्क्स मोर देन 650. द स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड मार्क्स मोर देन 650 आर इन द सेफ जोन, एंड दीज आर द डिपार्टमेंट प्रेफरेंस फॉर those guys who have scored more than 650. Thank you.